सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो बैंकिंग को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले आप लोगों को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। दोस्तों, इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को केनरा बैंक का डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के अलावा आप लोग उसके बगल बेल आइकन का बटन होता है, आप लोग उसको जरूर प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, यह डिपॉजिट स्लिप है केनरा बैंक का। तो इसमें दो भाग होते हैं डिपॉजिट स्लिप में, सभी डिपॉजिट स्लिप में दो भाग होते हैं। ये आपकी कस्टमर कॉपी है और यह की ब्रांच कॉपी है। तो सबसे पहले ये हम कस्टमर कॉपी को भर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ब्रांच भरेंगे, आपका ब्रांच जिस भी आपका अकाउंट जिस भी ब्रांच में है आप लोग यहाँ फिलअप कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप डेट भरेंगे, आप जिस डेट को पैसा जमा करना चाहते हैं उस डेट को यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद आप लोग अकाउंट करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आप लोग यहाँ पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद फिर आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे सही से लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर अपना लिखेंगे, उसके बाद फिर आप जो अमाउंट यहाँ जमा कर रहे हैं उसको अंकों में लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप लोग जब भी अमाउंट जहाँ भी लिखें उसके बाद ये चिन्ह लगाना ना भूलें। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर जो अमाउंट लिखे हैं अंकों में उसी को शब्दों में लिखना होता है। इसके बाद यहाँ पर चेक का विवरण देना होता है, इसलिए आप लोग इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए इसमें, सबसे पहले आप लोग डेट भर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे ब्रांच भरनी होती है। उसके बाद फिर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन से अकाउंट है, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर सही से लिखेंगे, उसके बाद फिर नाम लिखेंगे, फिर टेलीफोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर जो भी आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद फिर अगर आप लोगों के पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर अपना अमाउंट आप लोग शब्दों में लिख लेंगे। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद फिर अगर आप लोग 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट जमा कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों को पैन कार्ड नंबर देना अनिवार्य हो जाता है, अगर उससे नीचे देते हैं तो अनिवार्य नहीं है। उसके बाद फिर आप लोग जो अमाउंट जमा कर रहे हैं वो कितने नोट में जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी नोट आप लोग दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख कर आप लोग टोटल यहाँ पर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप केनरा बैंक का डिपॉजिट स्लिप बड़े आराम से भर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन लोग तक भी हमारी ये जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल टेक्नो बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।